राजस्थान कांग्रेस की सियासत में इस साल काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को 11 सीटों पर जीत के बाद पार्टी का मनोबल ऊंचा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कद भी इससे बढ़ गया है। वही नेता प्रतिपक्ष शिकराम जूली भी खुद को सदन में मजबूत नेता की तरह पेश करते हुए दिखाई दिए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट के बीच अदावत की अटकलें कहीं ना कहीं सुनाई दी जाती है। पायलट के भविष्य को लेकर चर्चाएं भी सुनी जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा दिल्ली के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। इस बैठक में पार्टी के महासचिव, प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष मौजूद थे। खास बात यह थी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास पहली कतार में पायलट भी बैठे दिखाई दिए। पार्टी मीटिंग के दौरान अग्रणी पंक्ति में राहुल गांधी और पायलट के साथ नजर आने वाली इस तस्वीर को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हो रही। हालांकि इस बैठक में राजस्थान के कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा बायतो विधायक हरीश चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी की ओर से एक बड़े आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल आगामी 22 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया जाएगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में SEBI अध्यक्ष पर लगे आरोपों के बाद उन्हें पद से हटाने की मांग स्वरूप यह आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हर राज्य की राजधानी में ईडी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। आंदोलन पर चर्चा के दौरान AICC में प्रमुख तौर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, संविधान और जाति जनगणना जैसे मुद्दे रहे। अगले कुछ ही दिन में सभी PCC चीफ को AICC की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर एक डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, जिस पर राजस्थान में भी कांग्रेस की तरफ से जन अभियान चलाया जाएगा। इस मामले में सचिन पायलट और डोटासरा ने भी सुझाव दिए। बता दो, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।